गिनती की पुस्तक अध्याय 21, गिनती की पुस्तक अध्याय 21, कनानी राजा पर जय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना ऊंचा सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग में बहुत व्याकुल हो गया, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इसराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप ने डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। फिर इसराइलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डिहों में डेरे डाले जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियो के देश से निकलती है उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियो और एमोरियो के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरता है। इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान और आर नाम नगर की ओर है, और जो मोआब के सिवाने पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए, वहां वही कुआ है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इसराइलियों ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबला, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा, और इसराइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्तान को और मत्तान से नहलियल को और नहलियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है पहुंच गए। सिहोन और ओग नाम राजाओं का पराजय और उनका देश इसराइलियों के वश में लाना। तब इसराइलियों ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में होकर जाने दे, हम मुड़कर किसी खेत व दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तब भी
सिहोन ने इसराइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इसराइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इसराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों का सिवाना तो दृढ़ था, सो इसराइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें, अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुढ़ बात के कहने वाले कहते हैं कि हेशबोन में आओ, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग, अर्थात सिहोन के नगर से लव निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दिबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। सो इसराइल एमोरियों के देश में रहने लगे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांव को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं, और जैसा तूने एमोरियो के राजा हेशबोन वासी सिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और उसके सारी प्रजा को यहां तक मारा कि उनका कोई भी न बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए।